अनूपपुर जिले के कोतमा थाना के क्षेत्र के अंतर्गत तो केवाई नदी के चेंगरी रेत खदान के समीप नाबालिग बच्चे का शव पानी में तैरता हुआ मिला। सूचना की जानकारी लगते ही कोतमा पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाबालिग के परिजनों ने बताया कि बच्चा 19 नवंबर से घर से लापता था, जो कि किसी गाड़ी में बैठकर कोतमा बाजार करने के लिए गया था, जिसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। इसकी गुमशुदगी की शिकायत भी थाने में दर्ज कराई गई थी। शिकायत दर्ज होने के 3 दिन बाद नाबालिग किशोर का शव केवाई नदी में तैरता हुआ मिला। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सर 4 बजे से कई लड़कियों से खेलत रही, तो लड़कियों का पता इसकी मार्केट तरफ पखरू गाड़ी में बैठ के गए बाइक में। उसके बाद हमारे समझ में की अपन बहनी आ गए हुई कोतमा में रात, मेरा बड़ा लड़की। फिर सुबह पता करें तो कहीं से नहीं है बहनियों, कहीं से नहीं आया मोर घरे, तब से एकदम ढूंढाई हर जगह। दिनांक 19/11 को शाम को लगभग 4 बजे चंगेरी का एक अवयस्क बालक, जिसकी उम्र लगभग 11.5 वर्ष है, वो अपने साथियों के साथ ग्रीनलैंड स्कूल के पास खेल रहा था, और खेलते खेलते वो ऐसी जानकारी मिली कि किसी के साथ वहाँ से चला गया। उसके बाद वो घर लौट के नहीं आया, और घर के लोगों ने 19 तारीख को 20 तारीख उसकी तलाश की,